ये रेसिपी स्पेशली मैं वैलेंटाइन डे के लिए बना रहा हूँ। आई होप आप सभी को ये पसंद आएगी और अपनी फैमिली और लव्ड वंस के साथ आप इसको बनाकर शेयर करेंगे। सबसे पहले हमें एक पनीर का बड़ा सा ब्लॉक लेना है, उसको 4 बराबर हिस्सों में काट लेना है। अभी इन सभी को अलग अलग करके हार्ट की शेप में काटना है। काटने के लिए मेरे पास एक दिल की शेप में कटर अवेलेबल है, आप इसे नाइफ से भी हार्ट की शेप दे सकते हैं। अभी मैंने हर एक पनीर में से एक एक दिल निकाल लिया है, तो मेरे पास टोटल 4 दिल हो गए हैं। मेरे नहीं, पनीर के दिल 4 हो गए हैं। और जो भी पनीर की साइड बचे हैं उनको भी हमें यूज़ करना है। इन सबको रफली चॉप करके एक मिक्सचर रेडी करना है, जिस मिक्सचर से हम पनीर की फिलिंग करेंगे। अब रफली चॉप किए हुए पनीर को हमें एक बाउल में डालना है और उसी बाउल में बाकी के इंग्रेडिएंट्स एक साथ डालकर मिक्स करना है। पहले कटे हुए पनीर को साइड कर लेते हैं और अब इसमें ऐड करेंगे कुछ ड्राई फ्रूट्स। तो सबसे पहले मैं बादाम को रफली चॉप करके इसमें ऐड कर रहा हूँ। बादाम डन। अब थोड़ा एप्रिकॉट चॉप कर लेते हैं। आप इसमें एप्रिकॉट की जगह किशमिश भी डाल सकते हैं, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि एप्रिकॉट ही डालना है। अब थोड़े से काजू भी मैं इसमें ऐड कर लेता हूँ। ड्राई फ्रूट्स आपके पास कुछ भी अवेलेबल हो आप ऐड कर लीजिए इसमें, ऐसा कुछ नहीं है कि मतलब जो मैं डाल रहा हूँ वही आपको भी डालना है। और सबसे लास्ट में थोड़े से पिस्ता। अब इन सभी ड्राई फ्रूट्स को एक साथ रफली चॉप किए हुए पनीर के साथ मिक्स कर लेना है और थोड़ा स्पाइसी करने के लिए इसमें ग्रीन चिली फाइन चॉप करके डालना है, क्योंकि ड्राई फ्रूट्स भी स्वीटनेस देता है और पनीर भी फीका है। और अब हम इसमें कुछ सीजनिंग ऐड करेंगे, जैसे कि थोड़ा सा रेड चिली पाउडर, इलायची पाउडर, थोड़ा सा नमक और काली मिर्च। और अब इन सभी को एक साथ अच्छे से मिक्स कर लेना है। आप स्पून से करो या हाथ से करो, मगर इसको जैसे आटा गूंथते हैं ऐसा ही करना है। ये लास्ट में इस कंसिस्टेंसी में आना चाहिए। आ जाओ जी, अब नंबर आता है दिल को भरने का, तो मतलब जो हमने पनीर को दिल की शेप में काटा हुआ था उसके अंदर इस मिक्सचर को एक एक करके अच्छे से भरना है। और अब ऊपर से दूसरा हिस्सा टाइट चिपका देना है ताकि वो छूटे ना। एंड मेक श्योर आपका दिल भी, मतलब पनीर वाला, हर तरफ से बराबर हो और उसकी फिलिंग बाहर ना निकल रही हो। इसी तरह से हमें दोनों पनीर को बना लेना है, आप देख सकते हैं। और अब पनीर को साइड रखकर इसकी ग्रेवी को बना लेते हैं। तो उसके लिए हमें सबसे पहले पालक को लेना है, उसको अच्छे से वॉश कर लेना है। अभी एक सॉस पैन में हमें पानी को गर्म करने के लिए चढ़ाना है और जब पानी बॉईल होने वाला हो तो उसमें पालक को ऐड कर देना है। और जब पालक ब्लांच होने वाला हो तो हमारे पास एक आइस वाटर होना ज़रूरी है, क्योंकि पालक एक ग्रीन लीफी वेजिटेबल में आता है और हर एक ग्रीन वेजिटेबल ब्लांच होने के बाद कलर चेंज कर लेता है, मतलब ब्लैक हो जाता है वो। इसलिए हमें इसको इमिडिएटली ठंडे वाटर में छोड़ना होता है और ये प्रोसेस इसकी न्यूट्रिशन वैल्यू को भी बैलेंस रखता है। अब पालक के ठंडे हो जाने के बाद उसको मिक्सी में डालकर उसका पेस्ट बना लेना है। आप देख सकते हैं हमारा पेस्ट रेडी है। अभी इसको एक बाउल में ट्रांसफर कर लेंगे और अब बिना टाइम वेस्ट किए हम इसकी ग्रेवी रेडी कर लेते हैं। तो हमें सबसे पहले एक पैन को गर्म करना है, उसमें ऑयल डालना है और जब ऑयल गर्म हो जाए तो उसमें थोड़ा सा जीरा ऐड करना है। जब जीरे की स्मेल आने लगे तो हम उसमें ऐड करेंगे चॉप गार्लिक। इस ग्रेवी में पालक के साथ गार्लिक का फ्लेवर बहुत ही अच्छा आता है, तो जितना ज़्यादा आप गार्लिक ऐड करेंगे उतना ही फ्लेवर अच्छा आएगा। और गार्लिक को अच्छे से भूनना है, ब्राउन करना है। अब गार्लिक के ब्राउन होने के बाद इसमें 2-3 होल रेड चिली डालना है और जिंजर एंड ग्रीन चिली को भी जुलियन करके इसमें ऐड करना है। इन सभी को थोड़ा सा और भून लेना है। इसके बाद इसमें ऐड करेंगे अपना पालक पेस्ट। और अब पालक को थोड़ी देर स्लो फ्लेम पर ही पकने देना है।
और उसके बाद अब इसमें डालना है, ध्यान से देखना, दो चार चीज़ें ही हैं बस, धनिया पाउडर, नमक, जीरा पाउडर और गरम मसाला। बस इतना ही इसमें डालना है और थोड़ी देर और पकने के लिए इसको हमें छोड़ देना है। अब जब तक पालक पकेगा तब तक हम पनीर को थोड़ा सैलो फ्राई कर लेते हैं। इसके लिए हमें एक अलग पैन लेना है, उसमें हमें थोड़ा सा ऑयल डालकर अच्छे से गर्म कर लेना है। उसके ऊपर हमें अपने पनीर हार्ट्स को डालना है और दोनों तरफ से हमें गोल्डन कलर लेकर आना है। अब देख सकते हो पनीर के ऊपर कितना बेहतरीन कलर आया हुआ है। आप चाहो तो पनीर को साइड से खड़ा कर भी सेक सकते हो, फीलिंग इसकी काफी मजबूत है, ये गिरेगा नहीं, डोंट वरी। पनीर हमारा ऑलमोस्ट डन हो चुका है, हम इसकी ग्रेवी को देख लेते हैं अभी किस हालत में। ग्रेवी पक चुकी है, आप देख सकते हो इसने ऑयल छोड़ दिया है पालक ने, तो मतलब ये डन है। अब नंबर आता है प्लेटिंग का। एज आई टोल्ड यू इन द बिगनिंग ऑफ दिस वीडियो कि मैं ये रेसिपी स्पेशली वैलेंटाइन डे के लिए बना रहा हूँ, तो इसकी प्लेटिंग भी उसके अकॉर्डिंग ही होगी। आई होप आपको पसंद आए। आपको ये रेसिपी एंड प्लेटिंग पसंद आई होगी, सो प्लीज डू सब्सक्राइब माय चैनल फॉर मोर अपडेट ऑफ माय न्यू फूड रेसिपी वीडियोस। थैंक यू फॉर वॉचिंग।